So hello guys, what's up? I hope all of you are absolutely fine. Welcome back to my channel Aziz Life. I hope all of you are absolutely fine. And आज हम लोग जा रहे हैं तारामंडल फॉर बिरला प्लैनेटेरियम. एंड अभी मेरे घर पे कोई नहीं है, हम अकेले हैं. एक्चुअली इस बार सिर्फ हम नहीं, मेरी सिस्टर भी साथ में है. तो हम दोनों यहाँ साथ में जा रहे हैं घूमने थोड़ा सा बिरला प्लैनेटेरियम. एंड इस बार जो है बॉयज़ पार्टी नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी सिस्टर है. जिन लोगों को देखना है बॉयज़ पार्टी, वो इससे पहले मैंने बना चुका है जब हम सिर्फ अकेले थे. तो आई बटन पर लिंक है, आप लोग जाके देखिए. एंड अभी फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं क्योंकि 2 बजे का शो है. हम लोग हिंदी वाला शो देखना है, हिंदी शो 2 बजे है. तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, रेडी होकर के फटाफट चलते हैं. आप लोग मिलते हैं डायरेक्ट बिरला प्लैनेटेरियम के बाहर. बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है. अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है. अब है जो है वो समा है, तुम रह सके. तो गाइस अभी आ चुके हैं हम लोग बिरला प्लैनेटेरियम के पास. एंड अभी जाना है अंदर, तो लेट्स गो. अभी चलते हैं अंदर एंड देखते हैं. अभी 2 बजे का शो है, हम लोग 2 बजे का शो देखना है हिंदी में है 2 बजे. और भी बहुत सारा टाइमिंग है जो वेबसाइट पे, हम वेबसाइट का लिंक डाल दें, आप लोग देख सकते हैं. और ये जो लोकेशन उसका भी लिंक डाल देंगे हम. फटाफट चलते हैं, पहले टिकट कलेक्ट करते हैं वरना, और फिर लाइन भी देना पड़ेगा नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे लोग. ये हम लोग को टोकन मिला यहाँ पे एंट्री के बाद, फिर आगे हम लोग अभी टिकट लेने वाले हैं. इस टोकन पर जितना लोग का टोकन है उतना लोग का टिकट्स मिलेगा. तो फटाफट चलते हैं हमें. हम लोग को टिकट मिल गया है. पर पर्सन टिकट 120 रुपीज़ है. और यहाँ पे टिकट ले रहे तब तक मेरी बहन ने उधर पे लाइन लगा दिया था एंट्री के लिए. सो अभी हम जाकर के उस लाइन में रुक जाएंगे. फटाफट चलते हैं अंदर. अच्छा ये पूरा वाइट वाइट जो है, पूरा स्काई बना है यहाँ पे. हम लोग पूरा दिखाया जाएगा स्टार्स के बारे में. एंड ये जो सामने जो आप गोल सा देख रहे हैं ना, ये प्रोजेक्टर है, इसी से जो भी ये सब डिस्प्ले होगा. यहाँ पे 286 सीट है जो कि इनफ है. लगभग 4000 साल पहले निर्मित स्टोनहेंज संभवतः अंग्रेजों की वेधशाला ही थी. प्राचीन माया सभ्यता द्वारा लगभग 1000 ईस्वी में निर्मित इस पिरामिड से नक्षत्रों और समय की गति का अध्ययन होता था. लेकिन विज्ञान और तकनीक के विकास ने महाकाश के बारे में हमारी पुरानी सोचों को बदल दिया. तकनीकी विकास के साथ मनुष्य की नजर अब तारों से भी आगे है. महाकाश के अंधेरे भरे असीम और सुदूर इलाकों तक जहां आंखें नहीं देख सकती, हमारी आंखों के सामने खुला पड़ा है पूरा ब्रह्मांड. गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं अपना तारामंडल बिरला प्लैनेटेरियम देख करके. और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी देखने में मज़ा आया. अगर उनको 3D एक्सपीरियंस था या समझ में भी आया, जब हम बाहर रहते थे बहुत पहले जब हम छोटे थे तब आए थे, बट उस टाइम में कुछ समझ नहीं आया था, बस सिर्फ देखे थे. बट इस टाइम बहुत सारी चीज़ समझ में भी आया. एंड कुछ कुछ चीज़ जो है जो हम लोग पढ़े हुए वो भी इधर पे बता रहा था, तो और अच्छे से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था. और जो और भी बहुत सारी चीज़ जानने को ही मिला. तो फटाफट अभी इधर से थोड़ा निकलते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है. लेट्स गो. 2 चम्मच दे दीजिएगा. एंड अभी हम लोग भेलपुरी खा रहे हैं. बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है. अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है. अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत. तो गाइस अभी हम आज के अंदर सेंट पॉल चर्च के अंदर. एंड यार वेरी ब्यूटीफुल. एंड ये इधर साइड में थोड़ा बहुत पार्क भी है थोड़ा सा,
भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड उस साइड पे जो है पार्किंग के लिए है, बट यहाँ पे एंट्री का फीस है 10 रुपीज पर पर्सन फीस है। तो अभी आ चुके हैं अंदर एंड लेट्स एक्सप्लोर। बट बस चर्च में थोड़ा सा काम चल रहा है, थोड़ा कलर वलर चल रहा है पेंटिंग, यही पास में था तो इसीलिए हम लोग अंदर आ चुके हैं एंड लेते हैं फोटो निकालते हैं इंस्टाग्राम के लिए। सो गाइस अभी हम चर्च से एग्जिट किए हैं, अभी चर्च में गए थे अभी एग्जिट किए एंड भाई साहब यार कितना ब्यूटीफुल चर्च था, मतलब सच में हम क्या बोले, इतना अच्छा लग रहा था और काफ़ी बड़ा चर्च, जैसा मूवीज़ में देखते ना बिल्कुल वैसा ही चर्च था पूरा। बट यार वहाँ पर फोटो वीडियोज़ सब करना मना था, फोटो वीडियोज भी नहीं कर सकते यार, फ़ोन तक निकालने नहीं दे रहा था, फोन वगैरह स्विच ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ पे पार्क है छोटा था तो अभी चलते था, तो पार्क में ये पार्क एक्चुअली चर्च के अंदर ही है, उधर चलते थे। तो गाइस हम लोग सारा एंजॉयमेंट करके अब हम लोग निकल रहे हैं चर्च से और अब जाना है घर एंड आगे और कुछ अच्छा दिखता है तो आप लोग को दिखाते हैं, नहीं तो इस वीडियो को कर देंगे यहीं पर एंड। बाय बाय गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।